आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी, थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा, जो ASMT 10 के नोटिस आ रहे हैं ये बहुत ही गलत आ रहे हैं। सर आप ये कैसे कह सकते हो ये नोटिस गलत है? ठीक है, आप कैसे हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हो? तो चलो एक नोटिस की जांच पड़ताल कर लेते। ऐसा नोटिस आपको भी आया होगा और आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में लिखकर कि ये नोटिस गलत है या सही, क्योंकि जो ASMT 10 के नोटिस आते हैं रूल 99 के अंदर, इनका जो सेक्शन है वो है सेक्शन 62। तो आज हम सेक्शन 62 की लैंग्वेज को पढ़ेंगे और बात करेंगे कि नोटिस गलत कैसे है। तो जब हम बात कर रहे हैं, 22 मई को नोटिस आया है और आज इसकी 26 जून को लास्ट डेट है रिप्लाई की। तो जब हम बात कर रहे हैं कि भाई नोटिस में क्या लिखा, इन्होंने जो ये नोटिस दिया इसमें लिखा मिसमैच इन रिटर्न्स, बस इतना लिख कर छोड़ दिया, मिसमैच इन रिटर्न्स। नहीं सर, इसके साथ ना एक नोटिस और आया होगा, आप जरूर उसे पढ़े। मैंने कहा ठीक है जी, हम पढ़ लेते हैं उसे। जब हमने उसके नोटिस को पढ़ा तो लिखा हुआ नोटिस फॉर डिस्क्रिपेंसी ऑन द स्कूटनी ऑफ रिटर्न्स, कि भाई हमारे को डिस्क्रिपेंसी मिली है। तो जब हमने सोचा कि भाई नोटिस के अंदर जब डिस्क्रिपेंसी मिली है तो आप हमें डिस्क्रिपेंसी बताओगे, तो इन्होंने कहा ठीक है सेक्शन 61 पढ़ लो जी। ठीक है ना, हम सेक्शन 61 की बात कर रहे हैं तो सेक्शन 61 पढ़ लेते हैं। सेक्शन 61 के हिसाब से स्कूटनी ऑफ रिटर्न करी जा सकती है। हमने कहा जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन स्कूटनी ऑफ रिटर्न्स अगर आप करोगे तो आप हमारे को डिस्क्रिपेंसीज बताओगे। उन्होंने कहा बता तो रहे हैं डिस्क्रिपेंसीज, उन्होंने कहा कि भाई हम आपकी जो ट्रांजेक्शन है उसे स्कूटनी कर रहे हैं और हमें पता लगा है मिसमैच है GSTR 1, 3B, 2B, 2A और 3B। तो इस लाइन को पढ़कर क्या तुम्हें पता लग गया कि क्या डिस्क्रिपेंसी है? सिर्फ नोटिस के अंदर ये वाली लाइन लिखी गई है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा। सर एक बार ना आप हमें ना सेक्शन बता दो कि सेक्शन की लाइन क्या है। हम सेक्शन 61 को पढ़ लेते हैं, ये आ गया जी हमारा सेक्शन 61। तो जब हम सेक्शन 61 कहते हैं उसमें लिखा हुआ स्कूटनी ऑफ रिटर्न कि भाई वेरीफाई करेगा करेक्टनेस ऑफ द रिटर्न एंड इन्फॉर्म हिम द डिस्क्रिपेंसी नोटिस, और सामने वाले को डिस्क्रिपेंसी जो उसे निकली है ऑफिसर को वो बताएगा, ठीक है ना, और उससे उसकी एक्सप्लेनेशन मांगेगा। लेकिन इस नोटिस के अंदर जो हमारे ऑफिसर साहब हैं जिनका हम पूरा सम्मान करते हैं, तो भाई उन्होंने डिस्क्रिपेंसी नहीं बताई, प्रॉपरली नहीं बताई, बस ये बता दिया मिसमैच है। अरे भाई मिसमैच कितने रुपए का है? 1 रुपए का, 1 करोड़ रुपए का है। 3B और GSTR 1 के अंदर है, 2A या 3B के अंदर है, किसके अंदर है आपने ये नहीं बताया। अब सर मैंने इसको लेकर डिपार्टमेंट में फ़ोन मिला दिया, मैंने डिपार्टमेंट में फ़ोन मिलाकर पूछा, मैंने कहा साहब जो ये आप नोटिस भेज रहे हो इसमें क्या डिस्क्रिपेंसी है तो बता दो। कह रहे हैं कपिल सर हम पे इतना समय थोड़ी है, हम पे इतना समय नहीं है कि हम हर नोटिस में डिस्क्रिपेंसी बताए कितने रुपए की डिस्क्रिपेंसी है, क्या क्या डिस्क्रिपेंसी है, क्योंकि टाइम भाग रहा है, टाइम बाढ़ होने वाले हैं, नोटिस 30 सितंबर तक भेजना ही भेजना है। तो भाई साहब मेरी एक बात सुनो, मेरी रिक्वेस्ट है फाइनेंस मिनिस्ट्री को, डिपार्टमेंट को, सर अगर आप जल्दी में हो तो ऐसे नोटिस भेज दोगे तो क्या ये वॉयलेशन नहीं होगा सेक्शन 61 का? और मजे की बात समझो, इस नोटिस के अंदर आगे क्या लिखते हैं कि भाई आप हमें ये फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करो जो कि आपने सेक्शन 35 में बनाए हैं, ठीक है ना, एज पर रूल 56, ठीक है ना, अगर आप ये नहीं करते हो तो हम सेक्शन 73-74 लगा देंगे। भाई साहब आप एक तरफ हमें ASMT 10 का नोटिस भेज रहे हो और दूसरी तरफ आप हमसे डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हो। अरे अगर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स मांगने हैं तो सेक्शन 65 में ऑडिट कर दो ना, क्योंकि सेक्शन 61 में अगर आप स्कूटनी कर रहे हो तो एज पर माई नॉलेज आप डॉक्यूमेंट्स नहीं मांग सकते, आपको तो सिर्फ डिस्क्रिपेंसी बतानी है। तो आप बताओ अगर ये डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं ये गलत है या सही है? एज पर माई अंडरस्टैंडिंग ये गलत है, आप ये डॉक्यूमेंट्स ऑडिट में मांगो ना, सेक्शन 65 में मांगो, हम आपको देंगे। इसके बाद और सुनो, जब हमारे को ASMT 10 आ जाता है रूल 99 के अंदर तो उसके बाद हमें बताया जाता है कि डिपार्टमेंट जाने की कोई आवश्यकता नहीं है भाई साहब, पोर्टल पर जाकर ASMT 11 में रिप्लाई कर देना। तो भाई मैंने के क्लाइंट को बोला कि जी ASMT 11 में रिप्लाई कर दूंगा, लेकिन उसने कहा नहीं रिप्लाई कैसे कर दोगे,
ऐसे रिप्लाई से काम थोड़ी चलेगा। तो जब हम रिप्लाई करेंगे, क्या ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम उसमें अटैच कर दें? इतना तो भाई वहाँ पर होगा नहीं डिटेल कि सारी बैलेंस शीट, पी एंड एल, स्टॉक लेजर, तो हम वो कैसे दें आपको? अब ऑफिसर साहब कहते हैं कि भाई साहब ऐसा करो, ASMT 10 का रिप्लाई करो या मत करो ऑनलाइन, आप 30 दिन के अंदर अंदर, आप 30 दिन के अंदर अंदर हमारे पास आ जाओ, या तो खुद आ जाओ या अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव असेसी भेज दो। भाई जब आप स्कूटनी ऑफ रिटर्न कर रहे हो, ASMT 11 का ऑप्शन आपने दिया है, तो मैं डिपार्टमेंट क्यों जाऊँ? जुलाई के महीने में मैं डिपार्टमेंट क्यों जाऊँ? जून के महीने में मुझे और भी तो काम है। ASMT 10 दिया, आप डिस्क्रिपेंसी बताओ, मैं ऑनलाइन रिप्लाई कर दूंगा, आप ASMT 12 दे देना, लेकिन मैं डिपार्टमेंट क्यों जाऊँ? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, क्या मेरा डिपार्टमेंट जाना मैंडेटरी है क्या? क्या मुझे सेक्शन 61 का नोटिस डाल के डिपार्टमेंट बुला सकते हैं क्या? आप ऑडिट करो ना 65 में, मैं आऊँगा। फिर आगे लिखा है कि अगर आप इसमें अपेयरेंस नहीं होते ऑन शेड्यूल डेट सारे रिकॉर्ड्स के, तो विल नो ऑप्शन बट टू प्रोसीड एक्स पार्टी इन द केस। अरे भाई ये कोई वैट वाली असेसमेंट थोड़ी है, ये कोई वैट वाली असेसमेंट थोड़ी है जो इसमें एक्स पार्टी केस कर दोगे। एक्स पार्टी केस तो वैट के अंदर होता था, ये तो स्कूटनी ऑफ रिटर्न है, गलती मिली, डिस्क्रिपेंसी बताओ, अगर हम उसे जमा नहीं करेंगे या क्लाइंट उसे जमा नहीं करेगा तो दिक्कत है। तो भाई अब आप मुझे बताओ, क्या ये नोटिस सही है या गलत है, और गलत है तो किन किन ग्राउंडों पर आपको लगता है गलत है, किन किन ग्राउंडों पर सही है? यहाँ पर 73-74 लिखना कि भाई अगर आपने एक्शन, आपने इसकी चीज़ें नहीं करी तो 73-74 करेंगे। भाई डिस्क्रिपेंसी आपने नहीं बताई, ना इस नोटिस में बताई, और जो आप ये कंप्यूटराइज नोटिस भेजते हो ना उसमें बताई, लेकिन रीजन क्या दे रहे हैं कि सर समय नहीं है। ठीक है, आप डिस्क्रिपेंसी में यहाँ पे टाइप ऑफ रिटर्न 3 भी लिख रहे हो तो आप मुझे बताओ तो सही। ठीक है ना, यहाँ पर आप मुझे बताओ तो सही, नोटिस हैव बीन मेंशन, ये लिखा है ना डिस्क्रिपेंसीज, नोटिस हैव बीन मेंशन इन अटैच अनेक्सचर, कि डिस्क्रिपेंसी हमने अनेक्सचर में आपको बता दी है, तो आप हमें रीज़न बताओ डिस्क्रिपेंसी का। ठीक है ना, कि अगर आप ये नहीं आते हो तो हम मान लेंगे तुम पे कुछ कहने को नहीं है। अरे भाई डिस्क्रिपेंसी बताओगे तभी तो मैं आके आपको कुछ बताऊंगा। आपने तो लिख दिया मिसमैच इन GSTR 1, मिसमैच GSTR 1 का 3B से है, 3B का 2A से है, या सारा ही मिसमैच है? सर कुछ तो बताओ, अमाउंट तो बताओ। तो भाई साहब अगर इस तरह के नोटिस आते हैं तो भाई डिपार्टमेंट्स के पास समय नहीं है, लेकिन आप मुझे बताओ तुम्हारे पास समय है क्या? हमारे पास भी समय कहाँ है, जुलाई अगस्त चल रहा है जी। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से नोटिस को दोबारा से चेंज करके भेजना चाहिए, क्योंकि जो नोटिस कैसे इशू किया जाना है इसकी SOP आ रखी है, सर्कुलर्स आ रखे हैं, तो डिपार्टमेंट को नोटिस भेजने से पहले ये चीज़ें करनी है। अब ये नहीं कि 10,000 नोटिस भेजने हैं तो कुछ भी ऐसे ही भेज दो। अगर मेरी बात सही लग रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। और GST के ऊपर 3 जुलाई से 7 जुलाई तक GST रिटर्न्स का थ्योरी और प्रैक्टिकल कोर्स कर रहे हैं, जिससे कि आपको कभी नोटिस ही ना आए, जिसमें GSTR 9 भी कवर कर रहे हैं। तो ये भाई शाम को 7 से 9 बजे तक चलेगा बैच, अगर किसी को करना है तो 5 दिन का बैच है, इसे ज्वाइन कर लेना। इसी तरीके से इनकम टैक्स का हमारा जो इनकम टैक्स और बैलेंस शीट का कोर्स है, जिसे फाइल करके, अगर आप ITR फाइल करना चाहते हैं तो आप इसे पढ़कर फाइल करेंगे तो आपकी ITR बढ़िया से फाइल होगी, कोई नोटिस नहीं आएगा, चांसेस कम हो जाएंगे। तो इनकम टैक्स और बैलेंस शीट का कोर्स है, 20 घंटे का कोर्स है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। और भैया अगर मैंने डिपार्टमेंट के लिए कोई, ठीक है ना, कोई वर्ड ऐसा यूज़ करा जो आपको बुरा लगा तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर कि एक बार नोटिस भेजने से पहले सेक्शन को, रूल्स को, सर्कुलर्स को, SOP को भी फॉलो कर ले। मैं मानता हूँ कि आपके पास बर्डन बहुत ज़्यादा है काम का, लेकिन देखो असेसी के पास भी तो समय कम है, प्रोफेशनल के पास भी तो समय कम है, और जब प्रोसीजर दिया हुआ है कि 10 के बाद 11 जाना है तो क्यों ऑनलाइन, जब जाना है तो क्यों उसे फिजिकली बुलाना? ठीक है ना, समझे मेरी बात को? तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही दिया है, वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, थैंक यू।